हेलो जी, नमस्कार। मेरी आवाज आ पा रही है बच्चों आप सभी को? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है आप सभी को? क्लास नहीं मिल रहा था सर। गुड इवनिंग आमिर, अभी मिल गया है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। हाँ, वो पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, चल नहीं रही होगी। अभी चल गई है ना? अभी चल गई है, ठीक है। एक बार मुझे बता दीजिए, आपको आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है सभी को? दीपिका, स्नेहा, इकरा, आमिर, प्रकृति, नफीशा, नफीशा अहमद, नफीश अहमद, शिंशी, इकरा, तबस्सुम, तबीबा, स्नेहा, पंचलाल, आमिर, कुलसुम, शिंशी, ब्यूटी, प्रतीक्षा, विनीता, काव्या, आरुषि, सौरभ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हृदय, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग अंजलि, प्रतीक्षा, कैसे हैं सर आप? बढ़िया हैं, एकदम बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। हाँ जी, राकेश कुमार जायसवाल, विनीता, गायत्री, ओके जी। अंशिका, तृप्ति शुक्ला, ओके, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा था पुष्प पादपों का शरीर, जिसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने ऊतक पढ़ लिया था कल तक, और ऊतक तंत्र पढ़ लिया था कल तक। आज हमें पढ़ना है द्विबीजपत्री के, द्विबीजपत्री और एक बीज पत्रियों का शरीर, यानी द्विबीजपत्री मूल, एक बीज पत्री मूल, द्विबीजपत्री तना, एक बीज पत्री तना, द्विबीजपत्री पत्ती, एक बीज पत्री पत्ती, ठीक है। सो ये हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत, ठीक है। क्या क्या पढ़ चुके एक बार याद दिला देता हूँ। ये सब कुछ हम देख चुके हैं। ये कॉलनकाइमा, पेरनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, है ना। उसके बाद हमने ऊतक तंत्र देखा था, तीन प्रकार के ऊतक तंत्र, बाह्य, त्वचीय, फिर उसके बाद भरण, फिर उसके बाद संवहनी, मध्याधिदारुक, बाह्याधिदारुक, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादप जो है उनका हम शरीर देखने वाले हैं, यानी कुल मिलाकर उनका, उनके तने का, एक बीजपत्री तना, द्विबीजपत्री तना, एक बीजपत्री मूल, द्विबीजपत्री मूल, एक बीजपत्री पत्ती, द्विबीजपत्री पत्ती, यानी कुल मिलाकर छह चीजें हमको पढ़नी है। तने दो प्रकार के, मूल दो प्रकार की, पत्तियां दो प्रकार की, ठीक है। ये हमें पढ़ना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? मूल की। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं यहां पर? मूल देखने वाले हैं। ये है द्विबीजपत्री मूल। और अगर आपको याद आ रहा हो, पुष्प पादपों की आकार की चैप्टर आपने पढ़ा था, द्विबीजपत्री मूल जो होती थी वो कौन सी थी? मूसला मूल थी कि अपस्थानिक मूल थी, जरा जल्दी, या झकड़ा मूल थी? याद करिए फटाफट, कौन सी मूल मिल रही थी द्विबीजपत्री पादपों में? फटाफट आंसर दीजिए। तनुप्रिया, सुहानी राजपूत, दीपिका शर्मा, फटाफट। सर कल वाली का पीडीएफ नहीं आया है। अरे यार, ये पीडीएफ काहे नहीं भेजते हैं, ये पीडीएफ का ही नहीं भेजते हैं। हम इनको अभी बोल देते हैं, ये अभी आपको पीडीएफ भेज देंगे, मतलब जैसे क्लास खत्म हो जाएगी पीडीएफ मिल जाएगा। यस, वेरी गुड। इकरा खान, झकड़ा जो थी वो एक बीज पत्री में थी बेटा। ये देख, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री में जो मूल जो होती है वो कौन सी होती है? झकड़ा होती है, झकड़ा। द्विबीज पत्रियों में जो होती है वो कौन सी होती है? मूसला मूल होती है, मूसला, मूसला टैप रूट थी, याद रखो, ठीक है। यस, मूसला थी। झकड़ा जो थी वो किसमें थी? एक बीजपत्री में। वेल डन। सो द्विबीजपत्री मूल में एक प्राथमिक मूल निकली थी, जिससे द्वितीय मूल निकलेंगी, द्वितीय से फिर तृतीय निकलेंगी, तृतीय से फिर चतुर्थ निकलेगी, इस तरह की कहानी है। तो हम यहां पर कुल मिलाकर एक द्विबीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना देखने वाले हैं। देखो इसमें काट कर किस तरीके से दिखाया गया, आप देख रहे हैं ना, यहां पर इस द्विबीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना देखिए। ये देखो, यहां पर इसको काटा और काटने के बाद इस तरीके से संरचना दिखाई दी। अब क्या क्या दिखाई दिया है? ये संरचना ऐसी दिखाई दी है। अब जरा गौर फरमाइएगा जनाब, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या इसमें आपको बाह्य त्वचा दिखाई दे रही है एक पिंक कलर की? हाँ सर,
पिंक कलर की दिख रही है, हाँ, और उससे कहीं मूल रोम भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाँ सर दिखाई दे रही है। क्या क्यूटिकल होएगी? कल आपको बता दिया था मूल में क्यूटिकल नहीं होती है, याद रखना। तो केवल बाह्य त्वचा है ना और मूल रोम मिलेंगे। ओके सर, आइए देख लेते हैं। द्विबीजपत्री मूल की बात कर रहे हैं, एक एक लाइन ध्यान से सुनना समझना। इसमें सूरजमुखी मूल की, ये जो यहां पर जो उदाहरण लिया गया था, ये किसका लिया गया है? सूरजमुखी, सूरजमुखी मूल का उदाहरण लिया गया है। ये जो डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी में लिया गया है, ये किसका है? सूरजमुखी की मूल का लिया गया है, जो एक द्विबीजपत्री पादप है। ठीक है, भीतरी ऊतकों के विन्यास को इस तरीके से बताया गया। सबसे पहले, फर्स्ट, सबसे बाहरी जो सतह जो होती है क्या कहलाती है? बाह्य त्वचा। ठीक है, और इनमें से कुछ कोशिकाएं होती हैं जो बाहर की तरफ वृद्धि कर देती हैं, जिनको हमने क्या बोला है? मूल रोम बनाती हैं। खत्म, बस इतना ही था। देख लीजिए आपके सामने लिखा हुआ, बाह्य त्वचा सबसे बाहर वाली, पास पास होती हैं ये कोशिकाएं, और इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की तरफ वृद्धि करती हैं, और ये जो कोशिका जो बाहर की तरफ वृद्धि कर रही हैं, ये वृद्धियां क्या कहला रही हैं? मूल रोम कहला रही हैं। खत्म, खलास, बस इतना सही था। बाह्य त्वचा, खत्म, इससे बाहर और कोई प्रश्न नहीं है। अब बाह्य त्वचा के नीचे ये देखिए, ये पूरा भाग, ये पूरा भाग क्या कहला रहा है? वलकुट। ये पूरा भाग क्या कहला रहा है बच्चों? वलकुट कहला रहा है, वलकुट। आइए नेक्स्ट क्या है? वलकुट में पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमा कोशिका, याद रखना, भूल ना जाइएगा। बाह्य त्वचा में भी पैरेन्काइमा कोशिका, भूल ना जाइएगा। बाह्य त्वचा जो होती है उसमें भी पैरेन्काइमा कोशिका, बाह्य त्वचा जो है उसमें भी पैरेन्काइमा, क्योंकि जिंदा मिल रही है ना, और जो कॉर्टेक्स है यानी वलकुट जो है उसमें भी पैरेन्काइमा। बस थोड़ा सा फर्क होगा सर, फिर फर्क क्या है दोनों में? यहां पर जो बाह्य त्वचा की जो कोशिका भित्ति जो है, ध्यान से सुनना, कोशिका भित्ति जो होगी वो थोड़ी सी मोटी होती है, सेल वॉल जो होती है कंपैरेटिवली थोड़ी सी मोटी होती है, क्योंकि अंदर सुरक्षा देनी है ना। जबकि वलकुट की जो कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल जो होती है, वो थोड़ी सी पतली होती है। बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, सो वलकुट में पतली भित्ति वाली, कौन सी? पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमा की कोशिकाओं की कई परतें पाई जाती है। अब इस डायग्राम को देखकर आपको पता लग ही रहा है, वलकुट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से कई स्तर मिल रही है, यानी वलकुट जो है वो बहुस्तरीय है। ठीक है, इनके बीच में अंतरा कोशिकीय स्थान होते हैं। ओके, आप जानते हैं पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय थे, हाँ थे, कॉलेन्काइमा में नहीं थे, स्क्लेरेन्काइमा में नहीं थे। ऑब्वियस सी बात है, पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में ही मिलेंगे, किसमें? अंतर कोशिकीय स्थान। तो यहां पर ये लिखा हुआ है क्या? अंतर कोशिकीय स्थान मिलते हैं किसमें? इन पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में। ठीक है, वलकुट की सबसे भीतरी परत अंतस्थ त्वचा होती है। अब ये वाली चीज जो है ध्यान से सुनना, ये वलकुट है, मान लेते हैं ये वलकुट है। इस वलकुट की, ध्यान से देखिएगा, ये जो वलकुट जो है, इस वलकुट की सबसे अंदर वाली जो त्वचा जो है, इस वलकुट की सबसे अंदर वाली जो त्वचा जो होगी, ये वाली, ये वाली जो है क्या कहला रही है? अंतस्थ त्वचा। वलकुट की सबसे भीतरी परत जो होगी वो अंतस्थ त्वचा होती है। इसमें नालाकार की कोशिकाओं की एक, सॉरी, ये वाली जो है, ये वाली, ये पूरा वलकुट था बेटा, ये पूरा वलकुट है। ठीक है, और इस पूरे वलकुट में, ये पूरा वलकुट है, और इसमें सबसे नीचे वाली जो स्तर जो है, इसको हम बोलते हैं अंतस्थ त्वचा। एक है एपिडर्मिस और एक है एंडोडर्मिस। ये है एंडोडर्मिस, अंतस्थ त्वचा। मैं अभी पूरा बनाकर भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे अंदर वाली जो सतह जो होती है किसकी? वलकुट की सबसे अंदर वाली जो सतह होती है उसका नाम होता है अंतस्थ त्वचा, जो एकल सतह होती है, एक स्तरीय होती है। इन कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं होता। जी हां, यहां से प्रश्न आएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है? आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है, हमने
पौधों में परिवहन एक चैप्टर पढ़ा था, और उस पौधों में परिवहन चैप्टर में हमने, याद करिए, दो प्रकार का परिवहन देखा था। एक पढ़ा था हमने सजीव पथ देखा था और एक निर्जीव पथ देखा था। आप में से कितने बच्चों को याद है? एक सिम्प्लास्ट था और एक एपोप्लास्ट था, याद आ रहा है? निर्जीव पथ क्या था? कोशिका के बाहर से जल जल का परिवहन हो रहा था, या कोशिका भित्ति से हो रहा था, याद आ रहा होगा। सजीव पथ कहाँ था? अंदर से हो रहा था। क्यों अंदर से हो रहा था? क्योंकि जैसे ही वल्कुट की अंतस्त त्वचा के पास में जब जल पहुंचा, तो बाहर क्या मिल रही थी? कैस्पेरियन पट्टिका, याद आ रही है? ये कैस्पेरियन पट्टिका जो थी, ये जल के लिए अपारगम्य है, जो किससे बन रही थी? सुबेरिन के, सुबेरिन नहीं है, सुबेरिन है, सुबेरिन के डिपोजिशन से बन रही थी, ठीक है। अंतस्त त्वचा के भीतर की ओर मोटी भित्ति पैरेन्काइमा कोशिका होती है, जैसे परिरंभ, ठीक है। अभी परिरंभ की बात बाद में करेंगे, पहले यहां तक देखिए। अब जिनको समझ में नहीं आया, जरा देखिएगा, मैं यहां पर बना रहा हूं। देख मेरे भाई, ध्यान से देख। सबसे पहले ये हमारी बाह्य त्वचा है, ठीक है जी। और इस बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं हैं, एकल स्तरीय है ये बाह्य त्वचा, और इसकी ये जो कोशिकाएं जो हैं, ये इस तरीके से मिल रही हैं, जिसमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की तरफ प्रवर्धित हो चुकी हैं। ओके सर। इसके नीचे कौन मिल रहा है? सर, इसके नीचे मिल रहा है वल्कुट। जो कई स्तरीय है, थोड़ा सा बड़ी बड़ी कोशिकाएं बना देता हूं, ताकि हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको बना सके, ठीक है सर। ये वल्कुट की कोशिकाएं हैं। सर ये बड़ी बड़ी होती है क्या? नहीं, बड़ी होती नहीं है, मैंने जानबूझ के बनाई है ताकि आपको दिखाई दे जाए। ये वल्कुट की कोशिकाएं हैं जो पैरेन्काइमा से बनी हुई है। पर्टिकुलरली वल्कुट की वो कोशिका, सबसे अंदर वाली जो स्तर जो है, ये वाली, ये वाली, ठीक है। इनमें कहीं ना कहीं डिपोजिशन हो रहा था। किसका? सुबेरिन का, जिससे क्या बन रही थी? पट्टियां बन रही थी, जिसको हमने कैस्पेरियन पट्टिका बोला था। यहां तक की बात डन? कोई कंफ्यूजन किसी को? लिख देता हूं, ये देखो, मैंने बोला ये कौन? बाह्य त्वचा। किससे बनी हुई है? पैरेन्काइमा, जिसकी कोशिका भित्ति थोड़ी सी मोटी है। ये कौन? मूल रोम, जो बाह्य त्वचा की कोशिकाओं के रूपांतरण है। ओके, ये पूरा का पूरा वल्कुट किससे बना हुआ है? पैरेन्काइमा की कोशिकाओं से। इस वल्कुट की सबसे अंदर वाली जो स्तर जो है, ये वाली, इसका नाम है अंतस्त त्वचा। और इस अंतस्त त्वचा में क्या मिल रही है? कैस्पेरियन पट्टिकाएं मिल रही हैं, कैस्पेरी पट्टिका, ये मिल रही है। कैस्पेरी पट्टिका किसके डिपोजिशन से हुई थी? सुबेरिन। सुबेरिन क्या होता है? एक प्रकार का मोम जैसा पदार्थ होता है, जो जल के लिए पारगम्य नहीं होता है। बोलिए, यहां तक की बात कोई ऐसा बालक जिसको समझ में ना आई हो तो मेरे से पूछ सकता है। यहां तक की बात समझा दी? बाह्य त्वचा दिखा दी, वल्कुट दिखा दिया, वल्कुट की सबसे अंदरूनी स्तर, अंतस्त त्वचा बता दिया। याद रखना, अंतस्त त्वचा वल्कुट की सबसे अंदरूनी स्तर है, और अंतस्त त्वचा किससे बनी हुई है ये जरूर याद रखना, भूल ना जाइएगा, जरूर याद रखना। ये अंतस्त त्वचा जो होती है ना, इसमें और बाकी वल्कुट की कोशिकाओं में फर्क क्या था? बाकी वल्कुट की कोशिकाएं जो हैं, बाकी वल्कुट की कोशिकाओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो
उनमें आपको अंतर कोशिकीय अवकाश दिखेगा, और मेरे ख्याल से मैंने आपको दिखा भी दिया है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो अंतर कोशिकीय अवकाश किस में दिख रहा है? वल्कुट की कोशिकाओं में दिख रहा है, लेकिन अंतस्त त्वचा में अंतर कोशिकीय अवकाश, अंतर कोशिकीय नहीं, अंतर कोशिकीय नहीं, अंतर कोशिकीय। यहां पर गलत तो नहीं लिखा हुआ? अंतरा तो नहीं लिख दिया है? अंतर ही लिखा हुआ है, कहीं अंतरा तो नहीं कर दिया? हाँ, अरे यार, अंतर कोशिकीय होएगा बेटा, अंतरा नहीं होएगा। इसको सही कर लीजिएगा, हमारी एनसीईआरटी ना कई बार अंतर कोशिकीय अवकाश, अंतरा का मतलब कोशिका के अंदर होता है और अंतर का मतलब कोशिका के बाहर। तो अंतर कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान जो होता है, अंतरा नहीं। अंतरा का मतलब विद इन और अंतर का मतलब आउटसाइड। तो अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होता है किसमें? याद रखना, किसमें? अंतस्त त्वचा में। जबकि वल्कुट की बाकी जो स्तर जो हैं उनके अंदर अंतर कोशिकीय अवकाश आपको दिखाई दे रहा है। हाँ जी, आ गया डंडन आ डंडन। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां से यहां तक परिरंभ की बात करते हैं। देखिएगा, अंतस्त त्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्ति वाली पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती है, जिसे परिरंभ कहते हैं। इन कोशिकाओं में द्वितीय वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल जैसी प्रेरित होती हैं। हाँ, यहां तक। अब यहां से यहां तक की बात है। अब सर ये क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, वल्कुट के नीचे जो स्तर मिल रही है, वल्कुट के नीचे, वल्कुट की अंतस्त त्वचा के नीचे, वल्कुट की, ये वल्कुट है, इस वल्कुट की जो ये अंतस्त त्वचा है, ये वाली, ये जो अंतस्त त्वचा है, ये वाली है ना, इसके नीचे यहां पर ये वाली जो है, ये वाली इस तरह क्या कहला रही है? परिरंभ। और ये परिरंभ भी बिल्कुल बिल्कुल परिरंभ किसके जैसी? पेरिसाइकिल बोला जाता है इसको। ये परिरंभ बिल्कुल जो बाह्य त्वचा की जैसी भित्तियां थी ना, थोड़ी सी मोटी थी, बिल्कुल वैसे यहां पर भी बाह्य त्वचा की जो भित्तियां जो होती है, ये देखो, ये रहा परिरंभ, ये रहा। अरे यार, कसम से, ये हमारी एनसीईआरटी ने हाँ, अरे बाबा, अरे बाबा, क्या कर दिया है ये? अरे यार, पागल बना दिया कसम से। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये पिंक कलर की जो दिखाई दे रही है, ये है परिरंभ। आ यार, ये हमारी एनसीईआरटी में बहुत मिस्टेक है यार। पिथ यहां पर दिखा दी, फ्लोएम कहाँ दिखाया है इसने? ओ भाई साहब, फ्लोएम कहाँ दिखा दिया इसने, और जाइलम कहाँ है? ओ माय गॉड, ये तो जाइलम दिखा दिया इसने, ये पिथ दिखा दी, फ्लोएम कहाँ दिखा दिया? अरे बाबा, रे बाबा, पगला जाऊंगा मैं कसम से। छोड़ो, हम अपने हिसाब से बना रहे हैं। यहां पर देखिएगा, हाँ जी, देखिएगा यहां पर कहाँ चला गया? परिरंभ, परिरंभ, अंतस्त त्वचा से भीतर की ओर मोटी भित्ति पैरेन्काइमा कोशिका, जिसे परिरंभ कहते हैं। इन कोशिकाओं में द्वितीय वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल प्रेरित होती है। अब कहेंगे सर ये क्या होता है, देख, ये है परिरंभ
बेटा नीचे दिखाया लेकिन गलत दिखाया बेटा, वो फ्लोएम और जाइलम जो है वो गलत सलत दिखा रखा है। कोई बात नहीं, मैं आपको प्रॉपर बना रहा हूं, प्रॉपर बनाकर दिखा रहा हूं, ठीक है। सो परिरंभ जो थी, ये परिरंभ की जो कोशिकाएं जो हैं बिल्कुल बाह्य त्वचा की तरह मोटी भित्ति वाली होती हैं। कोई कैस्पेरियन पट्टिका नहीं मिल रही है, लेकिन ये भी मोटी भित्ति वाली होती हैं। कौन? आपकी ये परिरंभ, पेरी साइकिल। एक बार ये देखते जाइएगा, कई बार मेरे पास जो एनसीईआरटी होती है पुरानी वाली होती है, आपकी एनसीईआरटी में देखिएगा कि क्या नई वाली जो है आपके एनसीईआरटी में भी यही सेम टू सेम डायग्राम दे रखा है, यही वाला कि कुछ अलग है, देख लीजिए एक बार। हाँ जी सर, यही है। नहीं, डायग्राम तो ठीक है, ये मार्किंग जो कर रखी है ये ठीक है क्या? यही कर रखी है मार्किंग, ऐसी कर रखी है, ऐसी कर रखी है। चलो जी कोई बात नहीं, आइएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये परिरंभ की कोशिकाएं हैं, ठीक है, डंडना डंडन, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक वर्ड लिखा हुआ था क्या, परिरंभ की जो होती है मोटी भित्तियों वाली, ये भी पैरेन्काइमा है। यानी आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, अब तक हमने बाह्य त्वचा देखा वो भी पैरेन्काइमा, वलकुट देखा ये भी पैरेन्काइमा, परिरंभ देखा ये भी पैरेन्काइमा, सारी की सारी क्या है अब तक? पैरेन्काइमा की कोशिकाएं। कोई अभी तक कॉलेनकाइमा नहीं है, कोई स्क्लेरेनकाइमा नहीं है यहां तक। क्या इतना सा बिंदु समझ में आ गया? कोई कॉलेनकाइमा नहीं, कोई स्क्लेरेनकाइमा नहीं, सिर्फ पैरेन्काइमा ही पैरेन्काइमा। बाह्य त्वचा मोटी भित्ति वाली जिसमें मूल रोम निकल गए, वलकुट पतली भित्ति वाली, पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमा, सबसे अंदर अंतस्थ त्वचा है ये भी पैरेन्काइमा, लेकिन अंतर कोशिकीय स्थान नहीं है क्योंकि सुबेरिन डिपोजिट हो गया जिसकी वजह से कैस्पेरियन पट्टिका बन गई। कैस्पेरियन पट्टिका क्या था? एक वैज्ञानिक ने खोजा था, विलियम कैस्पेरी, इस वजह से कैस्पेरियन नाम पड़ा था। परिरंभ मोटी भित्ति वाली है ये आपकी, ये भी पैरेन्काइमा की कोशिका है। डन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रखा है इन कोशिकाओं में द्वितीय वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्व मूल प्रेरित होते। अब ये समझ में नहीं आएगा, ये कब तक समझ में नहीं आएगा? जब तक हम द्वितीय वृद्धि ना पढ़ लें। आपको आपको इस लाइन से नहीं समझ में आएगा क्या? इन कोशिकाओं में द्वितीय वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम बनती है। आपने द्वितीय वृद्धि पढ़ा ही नहीं है तो कैसे समझ में आएगा? तो यही एनसीईआरटी की सबसे बड़ी मिस्टेक है क्या, कि कुछ भी बीच में डाल देती है, बच्चे को समझ में आएगा कैसे? यार द्वितीय वृद्धि जब उसने पढ़ा ही नहीं है तो उसको कैसे समझ में आएगा? तो इस वाली लाइन को मैं यहां पर अभी काट रहा हूं, और ये कब समझाऊंगा याद करिए, जब हम क्या पढ़ेंगे? द्वितीय वृद्धि पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी ये वाली चीज, है ना। हाँ सर क्यों करती है ये ऐसा? इसीलिए तो जानबूझ के करती है, एनसीईआरटी खेलती है आपके साथ, आपके दिमाग के साथ। चलिए अब इसके बाद पित्त छोटी अथवा अस्पष्ट होती है। अब ये पित्त क्या होती है? पैरेन्काइमा कोशिका जो जाइलम फ्लोएम बंडल के बीच में होती है उन्हें कंजंक्टिव ऊतक कहते हैं। क्या? दो से चार तक जाइलम फ्लोएम के खंड होते हैं, इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम छल्ला होता है। अंतस्थ त्वचा के भीतर की और सारे ऊतक जैसे परिरंभ, संवहन ऊतक तथा पित्त मिलकर रंभ कहलाते हैं। ओहो हो, माथा खराब कर दिया है ना, कर दिया ना। आइए समझते हैं, देखो देखो यहां तक की कहानी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां तक सारा तंदुरुस्त है मामला। ओके अब इधर देख, खास सर जी समझ में नहीं आया, रुक जा, अभी बता रहे हैं तुमको, बता रहे, तनिक वेट तो करो, वेट तो करो, बता रहे हैं। जाइलम थोड़ा अंदर की तरफ बनाते हैं,
ठीक है जी। अब इधर देखिएगा, पहले देखिए आप इस चीज को देखिए, जो मैंने रेखा इस तरीके से करी है ये, क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? जाइलम और फ्लोएम जो है, रुक जाओ बाबूजी, रुक जाओ रुक जाओ, माथा खराब हो रहा है तुम्हारा, हमें पता है, पता है हमें। मैं सारी चीजें दो बार रिवाइज करूंगा फिर तेरे दिमाग में फिट होएगी। मुझे जैसे जैसे मैं पूछता जा रहा हूं वैसे वैसे बता। ये है फ्लोएम और ये है जाइलम। जाइलम अंदर की तरफ है, फ्लोएम थोड़ा सा बाहर की तरफ है, ठीक है। फ्लोएम जो है, ये फ्लोएम है ये सारा, और ऐसे ही अंदर की तरफ सारा का सारा क्या होएगा? जाइलम होएगा। मुझे बस इतनी सी बात बताओ, हालांकि इतना नहीं होएगा, सिर्फ समझाने के लिए, एक चीज समझाने के लिए, क्या दोनों अलग डायामीटर पर मिल रहे हैं? मैं बस इतना सब पूछ रहा हूं। जाइलम फ्लोएम दोनों आपको अलग दिख रहे हैं? हाँ सर। क्या दोनों अलग ही डायामीटर पर दिख रहे हैं आपको? याद करिए, क्या आपको अरिय, क्या आपको अरिय, 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 अरिय बंडल याद आ रहे हैं? अरिय संवहन बंडल एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर मिल रहे थे। ये ले मेरे भाई, ये देख, अब ठीक है, अब समझ में आ गया। ये देख, ये है हमारा जाइलम और ये है हमारा फ्लोयम। अब ठीक है, अब ठीक है। फ्लोयम जाइलम कल ही तो पढ़ा है, ठीक है। तो इसी चीज को अगर मैं यहां पर बनाऊंगा मेरे भाई, तो फ्लोयम और जाइलम, फ्लोयम और जाइलम, ठीक है जी, समझ में आ गया। कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है। ओके सी, ये कौन है आपका? जाइलम, और ये बाहर वाला कौन है? फ्लोएम है, ठीक है। अलग त्रिज्या पर है? हाँ सर, अलग त्रिज्या पर है, ठीक है। अब इधर देख ध्यान से देख, ये पूरी यहां पर कोशिकाएं हैं, थोड़ी सी कम है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी कम है। ये जो कोशिकाएं जो यहां पर हैं, ये कहलाती है मज्जा, पित्त। और ये मज्जा, ये पित्त जो है, ये मज्जा या ये जो पित्त जो है, ये बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है। आप इस डायग्राम को अब जरा देखिएगा, यहां पर ये मज्जा है, ये मज्जा, और ये ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। ये है जाइलम और ये है फ्लोयम, नहीं आया? फिर से देख, फिर से देख, ये है तुम्हारा पेन, कौन सा ले हम इसमें जो चलेगा, ये वाला, ये है फ्लोयम ठीक है जी, काला काला सा जो है, और ये है आपका जाइलम, और इनके बीच में छोटी सी कौन है? ये मज्जा, ये छोटी सी कौन है बेटा? ये मज्जा है, ये छोटी सी मज्जा है। ओके जी, अब ठीक है। अब इस लाइन को पढ़ देख क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पित्त जो होती है, पित्त यानी मज्जा, छोटी होती है या अस्पष्ट होती है, यानी प्रॉपरली नहीं मिलती है। पैरेन्काइमा कोशिका जो जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में होते हैं। ओहो, ये तो मैं बताना ही भूल गया। ये देखिए, ये देखिए, ये यहां पर, अब ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो मिल रहे हैं यहां पर,
क्या कहलाएंगे, ये कंजंक्टिव कहलाएंगे। अब जरा सोचिए, ये जो कोशिका जो मैंने यहां पर सफेद सफेद बनाई है, ये किसके बीच में? सर, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। इनको हमने क्या बोला है? कंजंक्टिव। अब सर ये कंजंक्टिव क्या करेंगे, ये बाद में आएगा जब द्वितीय वृद्धि पढ़ेंगे। अब यहां तक की बात, और एक लास्ट बिंदु और ये था कि परिरंभ संवहन ऊतक और पित्त, कौन कौन? परिरंभ संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम और पित्त। जाइलम फ्लोएम और पित्त, यानी ये पूरा यहां से लेके नीचे तक जितना भी मटेरियल मिल रहा है, ये सारा का सारा कहलाता है स्टील, यानी रंभ। सर हमें बोला गया था वो ब्लू वाला फ्लोएम है। कौन सा ब्लू वाला फ्लोएम है? ओ रे दादा, अरे दादा, ये ब्लू वाला फ्लोएम बता दिया था आपको भाई साहब, बहुत ही तगड़ा। चलो अब यहां तक की बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं, तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, अगर मेरे पास रखा होगा तो, प्रॉपर डायग्राम। वेट करिए तनिक, मैं आपको दिखाता हूं। अगर मेरे पास इमेज रखी होगी तो, आ जाओ जी आ जाओ। ये रही, एंडोडर्मिस और परिरंभ। एक बस मेरे से एक मामूली सी गलती हो गई है बच्चों, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। ये जो परिरंभ है ना, ये एकल स्तरीय है, मैंने बहुस्तरीय बना दी थी। परिरंभ इज सिंगल लेयर्ड, ये है परिरंभ, सिंगल लेयर्ड है, सिंगल लेयर्ड है, सिंगल लेयर्ड है, सिंगल लेयर्ड, ठीक है। चलो अब एक काम करें, फाइनल डायग्राम बना दूं आपको। वैसे ये है फाइनल डायग्राम, आप फोटो नहीं ले पाएंगे, इसलिए मैं आपको ये पूरा बनाकर दिखा रहा हूं, ठीक है। फाइनल डायग्राम बना दूं, इसमें घोचपोच हो गया है, कंफ्यूजन हो गया है। चलो एक फाइनल डायग्राम बना रहा हूं जो बिल्कुल करेक्ट डायग्राम है, देखना। अब कोशिका नहीं बनाऊंगा, सिंपल तरीके से बनाऊंगा। ये है बेटा हमारा बाह्य त्वचा, कौन है बच्चों? ये हमारी बाह्य त्वचा है। ओके सर जी, लास्ट, ठीक है, क्योंकि अब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ये हो गई हमारी बाह्य त्वचा, और जैसे जैसे मैं पूछता जाऊं वैसे वैसे बताते जाना। बाह्य त्वचा जो है, थोड़ा सा हम छोटा हो जाते हैं, बाह्य त्वचा जो है किससे बनी हुई है? जल्दी से आंसर बताइए। पैरेन्काइमा, और इनकी भित्ति कैसी है? मोटी है। डन, क्या निकल रहे हैं? मूल रोम। ओके, फिर इसके नीचे वलकुट, और वलकुट की जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश है। वलकुट की कोशिका, वलकुट की कोशिका किससे बनी हुई है? पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमा की कोशिका, जिनमें अंतर कोशिकीय अवकाश है। डन, ओके। वलकुट के नीचे जो स्तर जो है, वलकुट के नीचे जो स्तर जो है, जिसमें कोई अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं है, एंडोडर्मिस।
कौन सी है? एंडोडर्मिस है। ये सारी वलकुट की कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये सारी की सारी क्या हैं? वलकुट की कोशिकाएं हैं, और इन वलकुट की कोशिकाओं के अंदर अंतर कोशिकीय अवकाश है, जबकि एंडोडर्मिस अंतस्त त्वचा जो है, ये है अंतस्त त्वचा, जिसके अंदर कैस्पेरियन पट्टिका मिल रही है। कैस्पेरियन पट्टिका को दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा ब्लूइश कलर यूज में ले लेता हूं कि ये है कैस्पेरियन पट्टिका जो कोशिका भित्ति के अंदर यहां पर डिपोजिट हो गई है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक बाबूजी? समझ में आ रहा है यहां तक की बात? समझ में आ गई है? कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक? हाँ जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलें आगे, ठीक है, नेक्स्ट। अब ये थी अंतस्त त्वचा, ये थी अंतस्त त्वचा, ठीक है, एंडोडर्मिस थी, है ना। अंतस्त त्वचा के नीचे कौन सा रंग लें, कौन सा रंग लें? थोड़ा सा पीला सा ले लेते हैं, चलो सफेद लेते हैं। अंतस्त त्वचा के नीचे, ध्यान से सुनना, अंतस्त त्वचा के नीचे थोड़ा अलग दिखाते हैं, अंतस्त त्वचा के नीचे एक और स्तर बिल्कुल भिड़ी हुई है, लेकिन थोड़ा सा दोनों को सेपरेट करके मैं दिखा रहा हूं ताकि आप डिफरेंस समझ जाएं। ये दोनों भिड़ी रहती हैं। कौन? अंतस्त त्वचा के नीचे जो स्तर है वो है परिरंभ, पेरिसाइकिल। ये है कौन? परिरंभ, पेरिसाइकिल, मोटी भित्ति वाली है। कौन? परिरंभ जो है वो मोटी भित्ति वाली है। डन, ठीक है। अब इधर देखिएगा, अब बात कर रहे हैं किसकी? जाइलम और फ्लोएम की। किसकी? जाइलम और फ्लोएम की। फ्लोएम, फ्लोएम और प्रभु, ये है आपका जाइलम। ये है आपका जाइलम, ये फ्लोएम, ये फ्लोएम था, और ये जो है ये हमारा जाइलम है, ठीक है जी, ओके। अब जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कोशिकाएं यहां पर मिल रही हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में यानी संवहन बंडल के बीच में जो कोशिकाएं यहां पर मिल रही हैं, हां जी बिल्कुल सही है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहां पर जो कोशिकाएं मिल रही हैं ये कहलाती हैं बेटा जी आपकी कंजंक्टिव। इनको हमने बोला है कंजंक्टिव। ठीक है, ओके सर, ये है पूरा का पूरा कंजंक्टिव। ठीक है जी, ओके सर। और यहां पर बीच में बहुत ही अस्पष्ट रूप से, बहुत ही अस्पष्ट रूप से क्या मिलती है? मज्जा। यानी ज्यादा कोशिकाएं नहीं मिलती है, थोड़ी सी कोशिकाएं मिलती है। किसकी? मज्जा की। ये है मज्जा पित्त। तो हमारी बुक में बोल रखा है कि परिरंभ, मज्जा, संवहन बंडल यानी जाइलम फ्लोएम मिलाकर क्या कहलाता है बेटा जी? रंभ कहलाता है।
स्टील कहलाता है, ये बोल रखा है यहां पर, रंब स्टील बोलते हैं इसको, स्टेल बोल रखा है इंग्लिश में, स्टील बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये था इसको यहां पर, अब आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको आराम से तसल्ली से पहले निहारें, निहारने के बाद में मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा बड़ा करके। पहले एक बार देख लो इस डायग्राम को, एक बार देख लो, एक बार ध्यान से देख लो। देख लिया सभी ने? देख लिया सभी ने? देख लिया? और भी कोई अच्छा डायग्राम है मेरे पास? हाँ बहुत सारे। सबसे अच्छा डायग्राम ये वाला था। हाँ जी, देख लिया सभी ने? अब मैं थोड़ा सा बड़ा हो रहा हूं, ठीक है, और मैं आपको जो दिखाने वाला हूं इसको जरा देखिए यहां पर, इस डायग्राम को। कहां गया? आराम से देखिएगा। आपको सबसे बाहर क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई प्रॉपर नहीं दे रहा होगा आपको, वर्ड नहीं दिखाई दे रहे होंगे। मैं इसको कैसे दिखाऊं यार, ऐसे ही दिखा पाऊंगा मेरे भाई, है ना। इसमें सबसे ऊपर वाली स्तर देखो, सबसे ऊपर वाली, ये सबसे ऊपर वाली, सबसे बाहर बाह्य त्वचा है जिससे मूल रोम निकल रही है, ठीक है। फिर वलकुट दिखाई दे रहा है, वलकुट सफेद 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 दिखाई दे रहा है। फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकिल है, फिर अंदर एक हरा सा क्षेत्र दिख रहा है, ये हरा सा, यहां पर हरा सा, ये हरा सा क्षेत्र है, ये हरा सा, ये वाला हरा सा। सर कैमरा साफ कर दीजिए। बेटा कैमरा साफ नहीं, वो कैमरा कैप्चर नहीं करता है चीजों को ना, इतनी सारी चीजों को। कैमरा साफ ही है मेरे भाई, उसका पिक्सल इतना नहीं होता है कि वो सारी चीजों को कैप्चर कर ले। ये देखो हरी हरी सी संरचना दिख रही है, ये फ्लोयम है, फ्लोयम है, फ्लोयम हरी हरी सी जो संरचना है दैट इज फ्लोयम। और वो बीच में क्रॉस सा जो बन रहा है वो जाइलम है, जाइलम, सिर्फ ये बताने वाला था। चलो आप तो इस डायग्राम पर फोकस करिए। अब आप बोलेंगे सर बुक वाला जो डायग्राम है उसमें जो गलतियां, उसको एक बार देख लेते हैं। ये जो बुक वाला डायग्राम जो है बेटा, इस बुक वाले डायग्राम को हम एक बार पूरा क्लियर कर एक बार साफ सुथरे ढंग से देखते हैं। सर कमेंट में भेज दो। बेटा मैं कमेंट में भेज नहीं पाऊंगा मेरे दोस्त, मैं कमेंट में भेज नहीं पाऊंगा, मेरे पास एक्सेस नहीं है बेटा भेजने का ना, माफ करना। लेकिन आप एक काम करिए, आप है ना अभी के अभी, क्लास बंद हो जाएगी नहीं तो, आपके पास अगर कोई दूसरा फोन हो उसमें बस इतना सा डालना, डाइकॉट स्टेम एनाटॉमी, वो डालने के बाद इमेजेस पर क्लिक करना, ऐसा डायग्राम दिख जाएगा, उसको आराम से देख लेना। और अब आप बोलेंगे सर इसी को ही बता दो ना, ले इसी को ही बता दे। देख बाह्य त्वचा हमें समझ में आ गई है, हाँ सर आ गई है, जिसपे मूल रोम हमें दिख गए हैं, ठीक है। ये पूरा वलकुट था, माफ करना, ये पूरा क्या था आपका, वलकुट था, पूरा क्या था, ये पूरा वलकुट है, ओके सर। इस पूरे वलकुट में जो सबसे अंदर वाली जो सतह है, ये वाली, ये अंतस्त त्वचा है, अंतस्त त्वचा, कौन है ये, अंतस्त त्वचा, ठीक है। फिर ये जो पिंक पिंक सी है, ये छोड़ देना, यहां पर जो मार्किंग लगी हुई है उसको हटा देना। पिंक पिंक सी जो है ये है परिरंभ,
ये जो पिंक पिंक थी ये है परीरंभ। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं हम आपको, याद रखना ये पिंक पिंक जो है ये है परीरंभ। ये पिंक पिंक जो थी जिसको मैंने सफेद कर दिया है ये परीरंभ है। मेरे से भी उस टाइम गलत बन गया था ये, अब बिल्कुल करेक्ट है। पिंक पिंक कौन है? परीरंभ है। लाल वाली जो है वो कौन है? अंतस्त त्वचा है। अंतस्त त्वचा ये लाल वाली कौन सी है? अंतस्त त्वचा है। ठीक है, अब इधर देखना, पहले सुन लो फिर उसके बाद आप चेक कर लेना। फिर इसके बाद ये है बेटा जी आपका जाइलम। ये जो लाल वाला जो है ये जाइलम है। ये जो लाल वाला है प्रभु, जिसको मैंने पीला पीला कर दिया ये जाइलम है। ओके सर। उसके बाद प्रॉपर नहीं दिखाया है यहां पर। उसके बाद यहां पर काला काला समय कर रहा हूं ये, ठीक है, काला काला सा ये फ्लोयम है, ये फ्लोयम है, काला काला कौन है? ये फ्लोयम है। और इन जाइलम और फ्लोयम के बीच में कंजंक्टिव ऊतक मिल रहा है। यस, ये देखो चांद अहमद ने भेजा है। वेरी गुड चांद अहमद, थैंक यू चांद अहमद, थैंक यू बच्चे बालक। एक बार चांद अहमद ने जो भेजा है एक बार आप उसको चेक कर लो, और जो मैंने चीज बताई है उसको कंपेयर कर लो आप। बस इतना सा चांद अहमद ने जो भेजा है एक बार उस पर क्लिक कर लो, और जो मैं चीज यहां पर बताई है इस एनसीईआरटी में जो मिस्टेक थी वो जो बताई है। ये काला काला सा कौन है सर? ये फ्लोयम है। ये पीला पीला सा कौन है? जाइलम है। और इनके बीच में जो है वो कौन है? कंजंक्टिव ऊतक है। ये कौन है? ये कंजंक्टिव ऊतक है, ठीक है। और बीच में ये थोड़ी सी, बीच में ये छोटी सी कौन है? ये मज्जा है, मज्जा। बीच में ये छोटी सी कौन है? ये मज्जा है, मज्जा पित्त। ये है वो चीज। अब बताइए, अब क्लियर है? ये है डाइकॉट का आपका डाइकॉट की आपकी मूल। ये था बस आपको बताना। अब इस सारी चीजों में याद रखना है बेटा जी, यहां पर एक तो रंभ याद रखना, व्हाट इज रंभ? परिरंभ, संवहन ऊतक और मज्जा मिलकर क्या कहलाते हैं? याद रखना, आपके रंभ कहलाते हैं। जाइलम और फ्लोयम की संख्या जो होती है वो लगभग लगभग कितनी होती है बेटा? 2 से 4 होती है, याद रखना। जाइलम और फ्लोयम की संख्या कितनी होती है? यहां पर 4 दिख रही है, देखो 4 जाइलम दिख रहे हैं, 4 फ्लोयम दिख रहे हैं, तो 2 से 4 संख्या जरूर याद रखना, भूल ना जाइएगा। 2 से 4 क्या होते हैं? जाइलम फ्लोयम होते हैं, अरिये होते हैं, है ना। और प्राथमिक जाइलम कैसा होता है, कौन सी कंडीशन में होता है, याद करिए। मूल में कौन सी कंडीशन में था? बाह्य अधिदारुक था। बाह्य अधिदारुक का मतलब कि प्रोटो जाइलम बाहर की तरफ और मेटा जाइलम अंदर की तरफ, ठीक है। ये अगर मैंने यहां पर करेक्ट डायग्राम बनाया है तो इस करेक्ट डायग्राम में जो जाइलम है इसमें प्रोटो जाइलम बाहर की तरफ, तो मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज प्रोटो जाइलम। ये जो है प्रोटोजाइलम को हमने किससे दिखाया था, याद करो, डॉट 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 से, ठीक है। प्रोटोजाइलम को हमने किससे दिखाया था? डॉट 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 से। तो ये डॉट 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 जो है वो किस चीज को बता रहा है? प्रोटोजाइलम को, ठीक है। और मेटाजाइलम जो था वो किससे दिखाया था हमने? डैश 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 से, याद करिए, ऐसे ही मैंने आपको बताया था। तो प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, मेटाजाइलम अंदर की ओर, बाह्य अधिदारुक परिस्थिति थी, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस इतना ही है आपका कौन? आपका प्रभु डाइकॉट द्विबीजपत्री मूल। बोलिए, अब किसी को अगर कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, पूछ सकता है इस द्विबीजपत्री मूल में। वेरी गुड शालिनी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो उसने भेजा है ना चांद अहमद ने, ये वाला डायग्राम बहुत ही सिंपल सा है, आराम से समझ में आ जाएगा शालिनी। एक बार
ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों डायग्राम सेम है, बस वो प्रॉपर था। हाँ जी सर, मेरी डाउटनट की टी शर्ट आ गई है, वो भी दो आ गई हैं। ठीक है बेटा, बदल बदल के पहन ले बेटा, धोने की समस्या कम हो जाएगी बेटा, अच्छी बात है। ओके दीपक गोस्वामी, पढ़ाई पर ध्यान करो बेटा, है ना, टी शर्टें वी शर्टें बाद में बहुत आ जाएंगी, अभी फोकस ऑन पढ़ाई। हाँ जी बोलिए, द्विबीजपत्री मूल क्लियर? किसी को कोई तकलीफ? किसी को एक भी प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकता है, फिर मैं आगे चल रहा हूं, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं एक बीज पत्री मूल। इसके बाद आ रहा है कौन? एक बीज पत्री मूल, और ये बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, एक बीज पत्री मूल बहुत छोटा सा। आइए, एक बीज पत्री मूल जो है बिल्कुल सेम टू सेम द्विबीज पत्री मूल के समान होता है, सेम टू सेम। क्या लिखा हुआ? एक बीज पत्री मूल जो है वो बिल्कुल द्विबीजपत्री मूल के समान ही होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस होते हैं। इसमें बाह्य त्वचा, वल्कुट, अंतस्त्व त्वचा, परिरंभ, संवहन बंडल तथा पित्त होते हैं। हाँ होते हैं। ओके, एक एक बीजपत्री में इनकी संख्या प्राय 6 से अधिक होती है, जबकि द्विबीजपत्री में जाइलम बंडल 2 से 4 थे। पित्त बड़ी होती है और बहुत विकसित होती है। एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होती है, इसलिए इसमें द्वितीय वृद्धि नहीं होती। अब आप बोलेंगे का सर, देख सेम टू सेम द्विबीजपत्री मूल, द्विबीजपत्री मूल सेम टू सेम कि साहब यहां पर भी क्या होगी? बाह्य त्वचा, उससे क्या निकल रहा है? मूल रोम। यहां भी क्या है? वलकुट। यहां भी क्या है? अंतस्त्व त्वचा, फिर उसके नीचे परिरंभ, फिर उसके अंदर कौन? जाइलम, फ्लोयम और मज्जा। बस फर्क कितना सा है प्रभु? फर्क है मात्र कितना सा, दो चीजों का, और वो क्या? पहला जाइलम एंड फ्लोयम की संख्या का। कितनी संख्या थी वहां पर? 2 से 4। ठीक है, नहीं थी, थी ना, थी ना, कितनी थी? 2 से 4। यहां 6 से ज्यादा। कंपेयर कर लो, देख लो इस डायग्राम में। ये देखो लाल वाला कौन? लाल वाला कौन? ये लाल वाला जिसको मैं पीला पीला कर दिया, ये कौन? सर जी जाइलम। कंडीशन यहां पे भी बाह्य अधिदारुक मूल, चाहे द्विबीजपत्री हो चाहे एक बीजपत्री हो, कंडीशन क्या रहेगी? बाह्य अधिदारक को। ओके सर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद, फ्लोएम कहाँ है सर जी? फ्लोएम ये वाला है, फ्लोएम यहां पर। इधर कौन है? ये फ्लोएम है। तो अब आप खुद ही सोच लो ना मेरे भाई, जाइलम और फ्लोएम की संख्या क्या 2 से 4 है कि 6 से ज्यादा है? ऑब्वियस ही बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो दिख ही रहे हैं मेरे को, है ना? तो कहीं ना कहीं क्या बोला? 6 से ज्यादा, पहला अंतर। दूसरा, अंतर यहां पर बड़ी सारी क्या मिलेगी? मज्जा मिलेगी, विकसित क्या मिलेगी? मज्जा मिलेगी, जबकि यहां पर इतनी विकसित नहीं थी। कौन? मज्जा। यहां पर छोटी सी थी, कौन बेटा जी? आपकी मज्जा जो थी इतनी विकसित नहीं थी, ना के बराबर ही होती है, यहां पर छोटी सी होती है। ठीक है, सो कुल मिलाकर याद रखना था यहां पर मात्र दो अंतर, मज्जा विकसित है, बड़ी है, मज्जा विकसित है, विकसित का मतलब बड़ी है, बड़ी का मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से बनी हुई है, पैरेन्काइमा की। जाइलम और फ्लोएम यानी संवहन बंडल की संख्या 6 से ज्यादा है। खत्म, खल्लास, इतना सा अंतर था, खत्म सर, खत्म। हाँ इतना ही था, एक बीजपत्री मूल, इससे ज्यादा नहीं है। तो अब आप सेम टू मुझे ये बताइए, अगर द्विबीजपत्री मूल समझ में आ गई तो एक बीजपत्री मूल तो हूबहू उसके जैसी है, बस लल्ला फर्क कितना सा था? दो चीजों का, जाइलम फ्लोएम की संख्या 6 से ज्यादा और मज्जा जो है, पित्त जो है वो विकसित है, बड़ी है, खत्म, खलास, इतनी सी बात। बाकी तीसरा बिंदु जो है
वो कल आपको ऑलरेडी बता दिया था, एक बीज पत्री मूल में सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीय वृद्धि नहीं होती है। तब आप मुझे बता दीजिए, द्वितीय वृद्धि अगर नहीं होती तो का बाबू इनमें कैम्बियम मिलेगी का? बोलो, क्या इनमें कैम्बियम का छल्ला मिलेगा? सोचो सोचो अजी, सोचो सोचो सोचो, क्या इनमें कैम्बियम का छल्ला मिलेगा? क्या इनमें कैम्बियम मिलेगी? दिमाग लगाओ, नहीं मिलेगी। यही लिखा हुआ है यहां पर, क्या कि एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होती क्योंकि इनमें द्वितीय वृद्धि नहीं होती। खत्म, एक बीजपत्री मूल खत्म। अब बताएं आप लोग मुझे, यहां से यहां तक की बात में समझ में आया? हाँ जी, आया समझ में? कोई तकलीफ किसी को? कोई कंफ्यूजन? जल्दी से एक बार मुझे थम्स अप का साइन दे दीजिए ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि हाँ भैया आपको चीज समझ में आ गई है। ऑल क्लियर? नहीं आया शालिनी समझ में? आ गया? चलो जी, बहुत ही बढ़िया। तो ये हमने देख ली है मूल, अब इसके बाद बज्जी आ रही है किसकी बेटा जी? आपके तने की। किसकी बारी आएगी? तने की बारी आएगी। मैं वापस से थोड़ा सा छोटा हो जाता हूं। किसकी बारी आ रही है बेटा जी? यहां पर द्विबीजपत्री तने की बारी आ रही है। अब किसकी बात करेंगे बेटा? तने की बात करेंगे, ठीक है? द्विबीजपत्री तना, जब द्विबीजपत्री तना समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है एक बीजपत्री भी आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए तने की बात कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा भारी ना पड़ जाए इसलिए आराम से समझेंगे इस डायग्राम को, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा भारी पड़ता है। आइए पहले इस डायग्राम को अच्छे से अपने सामने, आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो साथ साथ देख लीजिए, क्योंकि ये तो मैं अभी हटा दूंगा, अगली स्लाइड पर आऊंगा तो आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। इसमें बाह्य त्वचा आपको दिखेगी, हाँ दिखेगी, उसके नीचे कुछ कॉलन कायमा दिखेगा, पेरन कायमा, स्टार्च आच्छद, स्क्लेरन कायमा, फ्लोएम, कैम्बियम, प्रोटोजाइलम, पिथ, बहुत सारी चीजें आने वाली है तने में। आइए तने की बात कर रहे हैं। एक शैश्वक, शैश्वक मतलब नया नया तना बना है। द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं, यानी अभी द्वितीय वृद्धि की हमने बात नहीं करी है, है ना? शैश्वक का मतलब कि बच्चा है तना, चौड़ाई नहीं बड़ी है उसकी, अभी द्वितीय वृद्धि हमने नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ प्राथमिक वृद्धि के आधार पर संरचना देख रहे हैं, ठीक है? जब टॉपिक आएगा द्वितीय वृद्धि तब मैं आपको बताऊंगा। तो एक बच्चा है तना द्विबीजपत्री, उसमें अब क्या क्या मिल रहा है? सबसे पहले बाह्य त्वचा तने की सबसे बाहरी रक्षी सतह है। ओके सर, सबसे पहले बाह्य त्वचा, ठीक है? यह क्यूटिकल, याद करिए आपको बता दिया था कल, क्या क्यूटिकल तने पर मिलती है? बिल्कुल मिलती है। क्यूटिकल की पतली मोम की परत होती है, उससे ढकी रहेगी, बिल्कुल, यानी बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल मिलेगी। हाँ जी सर, बिल्कुल मिलेगी क्यूटिकल। चलो सर जी, समझ में आ गया। इस पर कुछ बहुकोशिकीय, ओए होए 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 होए, कहानी पलटी क्या? इस बाह्य त्वचा पर कुछ रोम मिल रहे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? त्वचा रोम। क्या बोल रहे हैं? त्वचा रोम, याद आ रहा है? त्वचा रोम, हाँ भाई, कल भी बताया था आपको, त्वचा रोम तने पर मिलते हैं। हाँ सर, मिलते हैं, लेकिन ये त्वचा रोम मूल रोम से कैसे अलग थे? त्वचा रोम है बहु कोशिकीय। बेटा लाल पेन दिखाई दे रहा है ना आप सभी को? त्वचा रोम कैसे हैं? बहु कोशिकीय। क्यूटिकल मिल रही है किस पे? बाह्य त्वचा पर। हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ठीक है,
अब यहां पर कुछ रंध्र भी मिल रहे थे, याद करिए मैंने उन रंध्र को क्या बोला था, समझना। त्वचा रोम किस पर मिल रहे हैं, सर बाह्य त्वचा पर। क्यूटिकल किस पर मिल रही है, सर बाह्य त्वचा पर। सर बाह्य त्वचा में ही क्या मिल रहे हैं, सर रंध्र मिल रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वात रंध्र। बोलिए कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन यहां तक, किसी को कोई दिक्कत, बोलो मेरे भाई यहां तक। त्वचा रोम तथा कुछ रंध्र होते हैं, हाँ जी, कोई कंफ्यूजन, चलें बनाऊं इसको, आइए बनाते हैं सेम टू सेम। ठीक है, लेकिन अब की बार ये जो रोम जो हैं ये कई सारी कोशिकाओं से बने हुए, यानी बहुकोशिकीय हैं। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बाह्य त्वचा जिस पर त्वचा रोम, और त्वचा रोम जो हैं बहुकोशिकीय हैं, ओके सर, और साथ साथ यहां पर कुछ रंध्र भी मिल रहे हैं जिनको हम वात रंध्र बोलते हैं, और साथ साथ क्यूटिकल की पतली सी स्तर भी मिल रही है। ये क्यूटिकल की पतली स्तर, एक एक चीज को इस तरीके से डायग्राम से याद करना कि सारी की सारी चीज याद हो जाए। डन डना डन डन, यहां तक की बात। आइए आगे बढ़ते हैं, अब क्या लिखा हुआ देखते हैं। अब बोल रहे बाह्य त्वचा तथा परिरंभ, याद करिए मूल में आपने बाह्य त्वचा पढ़ी थी, हां पढ़ी थी आपने, परिरंभ पढ़ी थी। इमेजिन करो, आंख बंद कर और सोच, मत देख मुझे, मत देख यहां पर, सोच, आंख बंद कर, मूल में क्या पड़ा था याद कर। बाह्य त्वचा थी, फिर वलकुट थी, वलकुट के नीचे अंतस्थ त्वचा थी, सबसे नीचे वाली वलकुट की सतह क्या कहलाती थी, अंतस्थ त्वचा, फिर उसके नीचे कौन थी, आपकी परिरंभ थी ना। तो बाह्य त्वचा और परिरंभ के बीच में कौन मिला, वलकुट नहीं, बाह्य त्वचा और परिरंभ के बीच में कौन मिला था, वलकुट, जिसकी सबसे नीचे वाली भित्ति क्या कहला रही थी, अंतस्थ त्वचा, है ना, है ना, है ना। ठीक है, बाह्य त्वचा और परिरंभ के बीच में कोशिकाओं की बहुत सी सतह होती है जिसे वलकुट कहते हैं। बताइए कुछ नया था क्या यहां पर, कुछ नया था क्या यहां पर, कुछ नई चीज आपने देखी है भाई, वही का वही है, बिल्कुल सेम टू सेम है, नहीं सेम टू सेम नहीं है, कुछ अलग है। अब क्या अलग है देखिएगा, बताऊंगा आपको कंपेयर करके। अभी देखिए वलकुट कहते हैं, ये तो ठीक है समझ में आ गया, बाह्य त्वचा और परिरंभ के बीच में कौन है, वलकुट। अब ये वलकुट जो है ये तीन भागों में बढ़ता है। सबसे पहले बाहरी अधस्थ त्वचा, हाइपोडर्मिस, ये वहां पर नहीं थी, जो कोलनकाइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं, जो बाह्य त्वचा के नीचे होती हैं, ये यांत्रिक सहारा देती हैं। वलकुट सतहें अध्यस्थ त्वचा के नीचे होती हैं, इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती है, कुछ परतें होती हैं, उसमें सुस्पष्ट अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं। अंतस्थ त्वचा वलकुट की सबसे भीतरी सतह होती है, इसमें नाल आकार की कोशिकाओं की एक सतह होती है, इन कोशिकाओं में स्टार बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए स्टार्च आच्छद भी कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर जी कुछ समझ नहीं आया, पहले इस डायग्राम को वापिस से देख, आराम से देख, देख लिया, देख 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 देख, कहां तक देखेगा, ए यहां तक, यहां तक देखना है तुम्हें, बस यहां तक देखना, ये जो काला काला किया ना इसके ऊपर देखना, ऊपर देख, आराम से देख, अपनी बुक में देख, अपनी बुक में देख, आराम से अपनी बुक में देख, कहां से वापस से देख, कहां से देखना है,
यहां से देखना है, ये जो काला काला मैंने किया है ना, इसके ऊपर से देखना है। देख लिया? अब देख मैं बना रहा हूं, देख ध्यान से देख, ये देख भाई, ये त्वचा हमने पढ़ लिया। हाँ सर पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखना, जो जो चीजें यहां पर बनी हुई है, जो आपको समझ में नहीं आई होंगी वो मैं बना रहा हूं यहां पर, जरा गौर फरमाइएगा जनाब, ध्यान से देखिएगा। दिख रही हैं इस तरह? हाँ सर। थोड़ा सा टाइम दीजिए, सारी चीजों का आराम से समझिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है सर, ये आपने तीन स्तरें बनाई हैं। चलिए अब इसके नीचे और भी स्तरें बनाते हैं। और तीन स्तरें बता बना दिए सर जी? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल बना दी हैं। ठीक है, और फाइनली अब इसके नीचे एक स्तर, एक और स्तर, ठीक है जी। और ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ऐसे बनानी पड़ेंगी। चंद्रमा की आकृति में ऐसे ऐसे जाती हुई, ठीक है, ऐसे चंद्रमा शेप में है। ठीक है सर, थोड़ी छोटी बना रहा हूं ताकि दो तीन स्तरें बन जाएं। ओके जी, फाइनली हमारी चीजें बन गई हैं जो मुझे बनानी थी। हाँ जी, अब देखिए यहां से यहां तक जो बाह्य त्वचा के नीचे ये पूरी स्तर जो है, ये पूरी यहां से यहां तक कहला रही है वल्कुट है। हाँ वहां भी, इधर देख, इधर जो हमने बनाई थी ये कहां बनाई थी? हाँ ये वाली, ये पूरी जो थी इसमें, इधर देखना ये वलकुट, हालांकि मैंने इसको लिख दिया था, ये पूरा वलकुट था, ये अंतस्त त्वचा को मिलाकर क्या था? वलकुट था। ठीक है, तो वलकुट में ये तो पैरेन्काइमा की कोशिका थी, अंतस्थ त्वचा में भी पैरेन्काइमा है, लेकिन इसमें अंतर कोशिकीय अवकाश था, यहां अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं था। वलकुट की सबसे भीतरी स्तर जो थी उसको हमने अंतस्थ त्वचा बोला था। यानी यानी जरा सोचिए, यहां पर मूल में वलकुट दो भागों में बटी हुई थी, नॉर्मल पैरेन्काइमा की कोशिका है ना, इसको सामान्य वलकुट बोलते हैं, सामान्य वलकुट बोलते हैं। ठीक है, तो वलकुट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, सामान्य वलकुट और अंतस्थ त्वचा, डन। अब यहां पर इधर देख, यहां पर इधर देख कहां है,
यहां पर इधर देख, यहां पर ये जो वलकुट है इसमें ये जो नीला वाला भाग है दिस इज सामान्य वलकुट। कई बच्चे भाग गए होंगे, ये जो सफेद वाला भाग है ये है अंतस्त्व त्वचा। तो दो चीजें तो सेम टू सेम जो वहां पर पड़ी थी, मूल में एक तीसरी स्तर है जिसका नाम है अधस्त्व त्वचा, जो वहां पर नहीं थी, जिसको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। तो ये जो अधस्त्व त्वचा जो है ये बनी होती है बेटा जी किसकी, कॉलन काइमा की। इसके किनारे जो होते हैं मैंने जान पूछ के यहां पर इस तरीके से फुला दिए हैं, क्योंकि आपको याद आ रहा है कॉलन काइमा क्या था, स्थूल कोण था। याद आ रहा है कॉलन काइमा क्या था, स्थूल कोण ऊतक था। इसके किनारे फूले हुए हैं, डिपोजिशन हो गया था, याद करिएगा, है ना। तो ये किससे बनी होती है, कॉलन काइमा से। प्रश्न आएगा बेटा नीट में, जो चले गए ना वो नहीं कर पाएंगे, जिनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नाम की चीज नहीं है वो पढ़ क्या सकते हैं, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी से ही पेशेंस नहीं है, स्टूडेंट लाइफ में अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं था तो तुम जिंदगी में क्या कर पाओगे, हैं? जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, सोच रहे हैं बाद में पढ़ लेंगे, फिर नहीं आएगा समझ में। तो कॉलन काइमा से बनी हुई है कौन, अधस्त्व त्वचा। सामान्य वलकुट नॉर्मल पैरेन्काइमा से बना हुआ जिसके अंदर अंतर कोशिकीय अवकाश है। मेन है ये अंतस्त्व त्वचा। क्या हमने वहां पर अंतस्त्व त्वचा में कोई स्टार्च भर दिया था क्या, नहीं कुछ नहीं भरा था, लेकिन ये जो अंतस्त्व त्वचा है इसके अंदर भर जाता है, भरा पड़ा है, क्या स्टार्च ही स्टार्च भर जाता है, स्टार्च ही स्टार्च भर जाता है, भर जाता है, फूल जाती है, चंद्रमा के जैसी होती जा रही है, फूलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इनके अंदर क्या भरता जा रहा है, स्टार्च भरता जा रहा है, स्टार्च ही स्टार्च भर गया है। तो इसको हम स्टार्च आच्छद बोलते हैं, स्टार्च आच्छद कहते हैं, स्टार्च शीत बोला जाता है। अब आप मुझे बताएं, सोच समझकर, क्या यहां से यहां तक वलकुट की तीन स्तरें समझ में आई हैं? वलकुट की तीन स्तर, अध्यस्त त्वचा, सामान्य वलकुट, अंतस्त्व त्वचा। अध्यस्त त्वचा कॉलन काइमा से यांत्रिक सहारा देंगी, सामान्य वलकुट नॉर्मल पैरेन्काइमा से पतली भित्तियां अंतर कोशिकीय अवकाश है, अंतस्त्व त्वचा मोटी भित्तियां होती हैं, इनके अंदर अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होते, हालांकि मेरे से दिख गए हैं यहां पर, इनके अंदर स्टार्च स्टार्च भरा रहता है, इसलिए हम इसको स्टार्च शीत या स्टार्च आच्छद बोलते हैं। ये यहां पर लिखा हुआ था, पढ़ ले फटाफट, जल्दी से पढ़ देख क्या लिखा हुआ है। तीन क्षेत्र में बटी होती है कौन बेटा जी आपकी, तीन क्षेत्र में बटी होती है, तीन क्षेत्र में कौन आपकी वलकुट। सबसे भारी अध्यस्त त्वचा हाइपोडर्मिस जिसे बोलते हैं, कॉलन काइमा से बनी होती है ना, कुछ परतें होती हैं, बाह्य त्वचा के नीचे मिलती है, यांत्रिक सहारा देती है, ठीक है। फिर उसके नीचे वलकुट की सामान्य जो स्तर, जो सामान्य वलकुट जो होती है वो मिल रही है, जो गोलाकार पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमा से बनी होती है जिनमें अंतर कोशिकीय स्थान मिलता है। ओके सर। अंतस्त्व त्वचा वलकुट की सबसे नीचे वाली स्तर होती है और इनमें कहीं ना कहीं कोशिकाएं में एक सतह होती है और इन कोशिकाओं में स्टार्च प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है, स्टार्च बहुत सारी मात्रा में होता है, इसलिए स्टार्च आच्छद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टार्च आच्छद भी बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे से एक मामूली सी चीज हो गई है, क्या ये जो स्टार्च आच्छद है ये पर्टिकुलरली अंतस्त्व त्वचा की ये जो निचली जो भित्ति है ना, बिल्कुल निचली, उसके अंदर है, सबके अंदर नहीं है, जो अंतस्त्व त्वचा की सबसे नीचे वाली जो है ना उसके अंदर भरा पड़ा है स्टार्च। बाकियों में इतना नहीं है, उनमें भी, लेकिन बहुत ज्यादा भरा पड़ा है किन में, ये जो नीचे वाली एक सतह ना, ये वाली अंतस्त्व त्वचा की ये वाली सतह, इसको हम बोलते हैं स्टार्च आच्छद। ये पूरी अंतस्त्व त्वचा है, ये पूरी अंतस्त्व त्वचा है, और इस पूरी अंतस्त्व त्वचा में सबसे नीचे वाली जो भित्ति जो है, नीचे वाली जो स्तर जो है, इस स्तर में स्टार्च भर दिया है। क्या भर दिया है इसके अंदर, स्टार्च ही स्टार्च भर दिया है, स्टार्च ही स्टार्च भर दिया है, और इसी कारण हमने इसको स्टार्च आच्छद बोला है। क्या बोला है, स्टार्च आच्छद बोला है।
ये था हमारा वलकुट। बोलिए, यहां तक कोई तकलीफ, यहां तक कोई कंफ्यूजन? डंडना डंडन, कितने बच्चे बच गए हैं और कितने चले गए हैं? तृप्ति शुक्ला, जल्दी से बताना बेटा, कितने रह गए हैं? जरा अपना नाम एक बार मुझे हाथ खड़ा करके बता दीजिए, कौन कौन बच गया है? जो बच गया है केवल वही कल क्लास ले पाएंगे, जो नहीं बचे हैं, जो भाग गए हैं ना, उनको कल क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, उनको कल निकाल दिया जाएगा, वो कल क्लास से बाहर निकलेंगे। चलिए, 19 बचे हैं, 19 में से एक तो मैं ही खुद ही होऊंगा जो यहां पर है, 18 बच्चे हैं एक तरीके से देखा जाए। कौन कौन? इकरा, मैं नाम याद रखूंगा, तनुप्रिया, आमिर, आरुषि, शालिनी, गायत्री, अंजलि, ठीक है, मेरे पास ये डाटा रहेगा। राकेश कुमार जायसवाल, ब्यूटी, इकरा, ओके ओके इकरा, ओके, रूपाली, हृदय, संगीता, विनीता, दीपिका, अंजलि, अभी 18 है सर, एक और भाग गया कोई, तृप्ति शुक्ला, राकेश कुमार जायसवाल, ठीक है, शिंशी, सुहानी, प्रकृति, ओके ठीक है, डन। बाकी जो हैं कल नहीं आएंगे, आएंगे भी तो निकाल दिए जाएंगे। कहा है ना कि हम थोड़े से इस मामले में सीरियस रहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, परिरंभ की। परिरंभ अंतस्त त्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर की तरफ होता है, इसमें स्क्लेरन काइमा की कोशिकाएं। अब इसको मेरे को यहां पर यहीं पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके आगे की कहानी अगर मैंने बताई तो वो सारी की सारी आपके ऊपर से जाएगी, सारी की सारी। यहीं पर रोक रहा हूं क्योंकि यहां से अगर मैंने आगे बताया तो और कॉम्प्लेक्सिटी है। आज आप इतना पढ़ें, इतना पढ़ने के बाद में कल जब मैं आऊंगा तो एक बार बस पढ़कर आ जाना, क्योंकि मेरे भाई ये दोस्त, ये बहुत ही टिपिकल चीजें आराम से समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने आज एक एक चीज को आराम से तसल्ली से समझाया था। या खत्म कर दूं? बोलो, खत्म कर दूं? खत्म कर दूं क्या? बोलो, अगर टिके हुए तो खत्म कर दें। बोलो, अगर टिके हुए हैं तो खत्म कर दें। बहुत गलतियां हैं भाई साहब हमारी एनसीईआरटी में। कैम्बियम ये है, ये जो हरी हरी सी दिख रही है, ये कैम्बियम है बेटा। कर दें खत्म? कर दें, चलो कर ही देते हैं। आइए, चलिए सर, यहां तक की बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर देख, अब देख, यहां तक वलकुट हो गया, वलकुट हो गया, देखो बाह्य त्वचा हो गई, वलकुट हो गया, याद कर, मूल में बाह्य त्वचा थी, वलकुट थी, वलकुट के नीचे कौन था? वलकुट की जो अंतस्त त्वचा थी, अंतस्त त्वचा के नीचे कौन था वहां पर, याद कर, परिरंभ था ना, था ना, परिरंभ था ना। जरा नंबर बताइएगा, देखिए 18 में से अभी कुछ और भी भाग गए होंगे, कितने रह गए 18 में से, अभी और कुछ भी भाग गए होंगे, पता है हमको, भाग गए होंगे, भाग गए होंगे, कितने रह गए हैं, कितने रह गए हैं, भाग गए होंगे, भाग गए होंगे, हमको पता है 18 ही है। चलो ठीक है, ठीक है। सो ये जो थी अंतस्त त्वचा थी, हाँ 17 हो गए, हमको पता है, फिर एक भाग गया, कोई भाग गया, भाग गया, भाग गया। अबे तुम्हें पता लग जाए, हम तुम्हारे घर से पकड़ पकड़ के धूने तुमको मैं, आइए देखिएगा। अब इधर देखिए, बाह्य त्वचा हो गई, बाह्य त्वचा के नीचे कौन है? वलकुट। वलकुट की सबसे अंदर वाली त्वचा कौन थी? वहां पर भी कौन थी? अंतस्त त्वचा। अंतस्त त्वचा के नीचे कौन था? परिरंभ। अब इधर देखना, ये है परिरंभ। अब मुझे बताएं, ये परिरंभ है, और परिरंभ क्या आपको अर्धचंद्राकार आकृति में दिखाई दे रहा है? आधे चंदा मामा के जैसा दिखाई दे रहा है, आधा चंदा मामा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये है परिरंभ। ऑब्वियस ही बात है, यह है कौन? परिरंभ। अब देख कहानी कैसे पलटेगी। मूल में परिरंभ किससे बना हुआ था? कोई भी बालक मुझे जल्दी से बताइए।
मूल में परिरंभ किससे बना हुआ था? मूल में परिरंभ किससे बना हुआ था? मूल में परिरंभ किससे बना हुआ था? बताओ, मूल में परिरंभ किससे बना हुआ था? बोल, आंसर बता। थोड़ी देर पहले पढ़ाया, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, मूल में परिरंभ किससे बना हुआ था? याद कर, पैरेन्काइमा। सब कुछ पैरेन्काइमा। वहां पर याद कर, बाह्य त्वचा भी पैरेन्काइमा, वलकुट भी पैरेन्काइमा, वलकुट का अंतस्थ त्वचा भी पैरेन्काइमा, फिर परिरंभ भी पैरेन्काइमा, सब कुछ पैरेन्काइमा था। लेकिन यहां पर कहानी पलटी है। स्टार बना रहे हैं बालक, परिरंभ जो होता है वो बना होता है स्क्लेरेन्काइमा। किससे बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा। याद रखना ये चीज, इससे प्रश्न बनता है। तने का परिरंभ किससे बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा से। और मूल का परिरंभ किससे बना होता है? पैरेन्काइमा से। ये देख साफ साफ, परिरंभ अंतस्थ त्वचा के नीचे होती है, फ्लोएम के ऊपर होती है, अभी बताऊंगा। इसमें स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती है। लो जी, आ गया समझ में? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? चले आगे, आगे बढ़ते हैं। अब इधर देख, ध्यान से देख, फ्लोयम कौन? फ्लोयम, और ये जाइलम। हालांकि ऐसा नहीं है, मेरे पास जगह थोड़ी कम है, इसलिए मुझे ऐसे बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है? कौन है बेटा? ये है जाइलम और ये है बेटा फ्लोयम, ठीक है? तो अब आप मुझे बताइएगा, ये जो जाइलम है और ये जो फ्लोयम है, तो पहले तो मुझे ये बताइए, क्या परिरंभ नीचे, परिरंभ किसके ऊपर है? फ्लोयम के ऊपर है। किसके नीचे है? अंतस्थ त्वचा की स्टार्च आच्छद जो थी, इसके नीचे है। तो परिरंभ किसके बीच में मिला? अंतस्थ त्वचा और फ्लोएम के बीच में मिल रहा है। सर सिंगल लेयर भी था। सिंगल लेयर किसका था मेरे भाई? किसका सिंगल लेयर था? हैं? अरे सिंगल लेयर किसका था? हाँ भाई, सिंगल लेयर परिरंभ अंतस्थ त्वचा के नीचे, फ्लोएम के। अच्छा, परिरंभ आप बोल रहे हो कि सिंगल लेयर में था? हाँ हाँ हाँ, माफ करना, यहां पर परिरंभ जो है बहुस्तरीय है। वेरी गुड, बहुस्तरीय है। वेल डन प्यारे बच्चों, वहां पर सिंगल लेयर्ड था, यहां पर मल्टी लेयर्ड है। वहां पर एकल स्तरीय था, यहां बहुस्तरीय है। और किससे बना हुआ है? स्क्लेरेन्काइमा से। वेल डन, बहुत ही बढ़िया। परिरंभ किसके बीच में है? अंतस्थ त्वचा और फ्लोएम के बीच में। ये लाइन यहां पर लिखी हुई है क्या? परिरंभ अंतस्थ त्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर, यही मैंने दिखाया है यहां पर। अंतस्थ त्वचा के तो नीचे है और फ्लोएम के ऊपर है। हाँ सर, ये बताया। किससे बना हुआ है सर जी? स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ है। कैसा है? अर्धचंद्राकार समूह में मिल रहा है। हाँ सर, मिल रहा है। ओके ओके जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इधर देखिएगा। अब ये है फ्लोएम और ये है जाइलम। ओके जी, और इनके बीच में प्रभु मिल रही है कैम्बियम। अब आप मुझे बताएंगे, अगर कैम्बियम मिल रही है तो ये कैम्बियम का नाम क्या है? कौन सा बालक बताएगा? अंतःपुलीय है कि अंतरपुलीय है? जल्दी से कोई भी बालक फटाफट मुझे बता दीजिए, ये कैम्बियम कौन सी है? अंतःपुलीय है कि अंतरपुलीय है? और ये अगर मिल रही है तो ये जो संवहन बंडल है, ये संयुक्त है, खुला है कि बंद है? ये भी बता दीजिए जल्दी से। ये है कैम्बियम। कौन है ये? हाँ जी, अंतरपुलीय है। इकरा खान, कल भी तुमको समझाया था, आज फिर तुमको समझा रहे हैं, ये अंतःपुलीय है। अंतः, कल भी बताया था, कल भी आपको समझाया था कि ये है फ्लोएम और जाइलम।
दिस इज फ्लोयम, दिस इज जाइलम, अगेन फ्लोयम जाइलम, फ्लोयम जाइलम, फ्लोयम फ्लोयम जाइलम जाइलम। ये जो है अंतःपुलीय अंतःपुलीय अंतःपुलीय। अब हम आपको बताएं, हमारी एनसीईआरटी में एक मिस्टेक कर रखी है, हमारी एनसीईआरटी में एक मिस्टेक है, आपको बताएंगे अभी। जब द्वितीय वृद्धि एक बार जरा एनसीईआरटी खोल कर देख लीजिएगा, वहां पर देखिएगा आपको ना, ये जो अंतःपुलीय है ना, ये आपकी एनसीईआरटी में गलत बता रखी है। लिखा सही हुआ है, बता गलत रखी। और इनको जोड़ने वाली जो बाद में बनी थी, याद कर, ये थी द्वितीय, ये द्वितीय कैम्बियम थी, जिसको हमने बोला था अंतरपुलीय। याद आया, कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं। अंतःपुलीय जो जाइलम और फ्लोयम के बीच में मिलेगी, अंतःपुलीय, ठीक है। और वेस्कुलर बंडल जो है, संवहन बंडल के बीच में जो मिल रही है, बाहर मिल रही है, देखना भाई। भाई अंतर कोशिकीय अवकाश क्या होता है? कोशिका के बाहर होता है। अंतरा का मतलब या अंत का मतलब होता है अंदर। ओके इकरा, ओके ओके सर, मैंने लिखा तो अंत ही था, लेकिन वो स्पेस देने के चक्कर में आर हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो ये अंतर है, संवहन बंडल के बाहर है, संवहन बंडल के विदिन है, विदिन संवहन बंडल है, तो क्या कहलाएगा? अंत है, ठीक है। तो मैं यहां पर किसके बीच में दिखा रहा हूं? जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम दिखा रहा हूं, तो ये कौन सी होगी? अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इंटरफेसिक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्राफेसिक्यूलर, इंट्राफेसिक्यूलर, और इसको बोलते हैं इंटरफेसिक्यूलर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरफेसिकुलर, और अंतः को बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक की चीज क्लियर हो गई होगी। ये जाइलम है, फिर फ्लोयम है। अब सिर्फ एक चीज बतानी है आपको, पिथ बतानी है और मज्जा किरणें बतानी है। ये मज्जा किरणें, क्या मैं आपको बताऊं कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं? बताइए मेरे को, जल्दी से बताइए, क्या मैंने कभी पहले आपको पिछले लेक्चर में, पिछले से पिछले लेक्चर में मज्जा बताई थी? हाँ बताई थी। किससे बनी हुई थी? पैरेन्काइमा से। क्या मज्जा किरणें बताई थी? हाँ सर बताई थी। मज्जा जब किरणों के रूप में निकलती है इन जाइलम और फ्लोएम के बीच में से, ये देख, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में से, यहां से ये मज्जा किरणें जब निकलेंगी, ये देख, ये सफेद रंग की, ये सफेद रंग की, इधर देखना, ये सफेद रंग की जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो मैं लाल लाल रंग से दिखा रहा हूं, इधर ये 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 क्या है? दिमाग लगा, ये बीच में सूरज है। सूरज कौन है? मज्जा। और मज्जा से क्या निकल रही हैं? पीले पीले रंग से दिखाता हूं, ये देख, ये पीले पीले रंग से क्या निकल रही हैं? सर किरणें निकल रही हैं। ये क्या कहलाएंगी? मज्जा किरणें, जो किसके बीच में मिल रही हैं? सर जी संवहन बंडल के बीच में से जा रही हैं। इन्हीं को ही क्या बोला जाता है? मज्जा किरणें बोला जाता है। बोलिए, क्या यही चीज आपको पहले भी बताई थी और यही चीज यहां पर भी लिखी हुई है? अब इतना सा डायग्राम देखने के बाद में, इतना बड़ा अगर आपको ये मज्जा दिखाई दे रही है, इतनी बड़ी आपको अगर ये मज्जा दिखाई दे रही है, तो क्या मैं मज्जा को विकसित नहीं बोलूंगा? तो देखिएगा, यहां पर जरा देखिएगा, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, है ना? परिरंभ संवहन बंडल के बीच में अरीय रूप से पैरेन्काइमा की कोशिका निकलती है, जिन्हें मज्जा किरणें बोलते हैं। बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, मज्जा पैरेन्काइमा से बनी हुई है, उससे जो त्रिज्यीय रूप से निकलेंगी मज्जा किरणें। ओके सर, संवहन बंडल कैसे होते हैं बेटा? छल्ले के रूप में होते हैं, और ये द्विबीजपत्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण होता है। क्या संवहन बंडल, जरा देखिए यहां पर, क्या एक छल्ले के रूप में मिल रहे हैं? पूरे के पूरे, देख ये पूरा एक छल्ला मिल रहा है, छल्ला, गोल छल्ला मिल रहा है, ये पूरा गोल छल्ला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाँ सर, छल्ले के रूप में मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये पूरा क्या मिल रहा है? संवहन बंडल का क्या मिल रहा है? इस तरीके से छल्ला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है सर, छल्ला मिल रहा है किसका? संवहन बंडल का। याद रखना, संवहन बंडल कैसे थे? संयुक्त थे मध्याधिदारु की, आप जानते हैं प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है, और
पिथ जो होती है, मज्जा जो होती है, गोलाकार होती है, पैरेन्काइमा से बनी होती है और विकसित होती है, जिनमें अंतरकोशिकीय स्थान होता है। ये खत्म हुआ है हमारा क्या, डाइकॉट स्टेम, खत्म डाइकॉट स्टेम। इसके बाद आता है मोनोकॉट स्टेम, इसको हम पढ़ेंगे कल, इसको हम पढ़ेंगे कल, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कल। वैसे तो सिर्फ ये एक ही पेज का है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर कल जब आएंगे ना तो एकदम तड़ाकेदार भड़ाकेदार आपको समझ में आएगा। और कल हम ये द्विबीजपत्री एक बीजपत्री में जो पत्तियां रह गई हैं और ये एक बीजपत्री तना रह गया, ये पढ़ लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे द्वितीय वृद्धि, ठीक है जी। अब तक इस चैप्टर में दो लेक्चर आपको थोड़े से भारी लगे होंगे, एक आज का और एक उस दिन जो शायद सबसे पहला पहला लेक्चर था, वो शायद वो भारी लगा होगा, ये वाला लेक्चर हल्का सा भारी लगा होगा, बाकी तो नॉर्मल लगे होंगे, इतना ज्यादा कुछ आया नहीं होगा दिक्कत। हाँ जी चलिए, ठीक है जी, ओके ओके बच्चों, कल मिलेंगे इसी समय पर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, नमस्कार।